नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करें आश्रम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है धनवान धनवान पति या पत्नी की प्राप्ति। महिलाओं की तो इच्छा हमेशा से रही है लड़कियों की इच्छा कि उनकी शादी बहुत ही अमीर घरानों में हो जाए, धनवान पति मिल जाए। लेकिन अब तो लड़कों की भी इच्छा होने लगी है कि मैं बैठ के रहूं और बहुत ही अमीर घराने में मेरी शादी हो जाए, मेरी पत्नी बहुत ही अमीर हो, अच्छे पद पर हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारी छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है और बुध पर्वत पे ही विवाह रेखा पाया जाता है। तो खूबसूरत के साथ साथ पैसे वाले, धन वाले ससुराल चाहिए, तो उसके लिए ये रेखाएं आवश्यक है कि आपके बुध रेखा पर इस प्रकार, बुध पर्वत पर इस प्रकार से रेखा हो जो लंबी हो और वो आगे बढ़कर ये सूर्य क्षेत्र में चले जाए और सूर्य रेखा को छू दे, सूर्य रेखा को छू दे। ऐसे रेखा वाले जातक, महिला हो या पुरुष, उनकी उनका जो विवाह होता है वो काफ़ी धनवान धनवान अच्छे ओहदे वाले, बड़े पद वाले, बहुत पैसे वाले घर में होता है। इनका जीवन शादी शादी के और विवाह के बाद में बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा कहते हैं, इनका स्टेटस चेंज हो जाता है, लोग आश्चर्य की निगाह से देखते हैं। तो लड़के अपना दाहिना हाथ और लड़कियां अपने बाएं हाथ को देखकर मिला सकती है। अगर सूर्य रेखा ऐसी लंबी ना भी हो और ये रेखा यहाँ से निकलकर सूर्य पर्वत पर चले जाए तो उसका परिणाम भी वही होता है कि आपकी शादी बहुत ही अच्छे पद वाले लड़के या लड़कियों से होगी, आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। इसके साथ में अगर आपकी ये हृदय रेखा लंबी हो, गुरु तक चले जाए, तो आप दोनों का सामंजस्य भी बहुत अच्छा रहेगा, जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। अगली परिस्थिति बनती है कि आपका चंद्र से निकलकर कोई रेखा आयु रेखा में घुसते हुए ये भाग्य रेखा से मिल जाए। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा ससुराल मिलता है, बहुत पैसे वाले घर में शादी होती है। साथ में ऐसे लड़कों की शादी बड़े आयु वाली लड़कियों से भी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, जो कि बहुत अच्छे पद पर होती है। हस्तरेखा में एक संभावना और बनती है कि कोई रेखा इस क्षेत्र से निकलकर आयु रेखा के अंदर प्रवेश कर जाए और ऐसे निकलकर वो सूर्य की ओर चली जाए, तो ऐसे जातक की शादी अत्यंत ही अमीर घराने में होती है। उनके पति या पत्नी बहुत ज़्यादा पैसे वाले धनवान लोग होते हैं, उनको जीवन का सभी सुख मिलता है। अगर ये रेखा आयु रेखा के अंदर होते हुए बाहर निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है, तो ऐसे जातक की शादी बड़े उम्र के लड़की या लड़कियों से होती है, जो कि उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन बहुत ही पैसे वाले होते हैं। अगर ये रेखा चंद्र से निकलकर भाग्य में एक रेखा मिल जाए, तो ऐसे लोगों के जीवन साथी बहुत खूबसूरत भी होते हैं। अगर किसी लड़की के हाथ में इस प्रकार से शनि पर भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से पहुंच जाए, तो इनकी भी शादी अमीर घराने में होती है, ये काफ़ी सुखपूर्वक रहते हैं। पुरुष अपना दाहिना हाथ और महिलाएं या लड़कियां अपना बायां हाथ में इस प्रकार की रेखाएं देख सकती है। वो आप मिला कर देखिए, अगर ऐसी रेखाएं हैं या मिलती जुलती रेखाएं हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी शादी बहुत ही अच्छे घराने में होगी। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।